सो हेलो एवरीवन प्रीवियस वीडियो में काफी सारे क्वेश्चन हम कर चुके थे डिस्कस और यहाँ पर बढ़ते आगे की ओर सो so, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे नॉन स्टॉप पहला क्वेश्चन है प्लाजमोडियम पेलसीफेरम में किस प्रकार का मलेरिया होता है यह आपने एनसीआरटी में पढ़ा होगा प्लाज्मोडियम पेलसीफेरम के बारे में तो ये किस प्रकार का मलेरिया होता है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं ये होता है परनीसियस अथवा मेलिग्नेंट मलेरिया और ये दे रखा है ऑप्शन बी में यह होता है आपका और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो प्लाज्मोडियम में इसकी कितनी स्पेशज इस होती है कितनी प्रजाति होती है चलो डायग्राम के द्वारा इसको समझ लेते हैं यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रूंगे ये है आपका प्लाज्मोडियम स्पिसिज कितनी होती है प्लाज्मोडियम पेल्सिपेरम होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होती है प्लाज्मोडियम ओवल होती है प्लाज्मोडियम मलेरियाई होती है चार होती है ठीक है अगर स्टेज की बात करें तो इसकी कितनी स्टेज होती है यहाँ पर देखो ट्रोपोजोइट स्टेज होती है सही जॉइट स्टेज होती है और गेमोटोजॉइट स्टेज होती है तो ये आपकी स्टेज और ये आपका स्पेसिज तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इसीलिए इसका प्लाज्मोडियम पेलसीपेरम हो जाएगा क्लियर ओके तो राइट ऑप्शन इज बी यहाँ पर आप रेड कलर में देख सकते हो राइट ऑप्शन अगला है आपका किस संघ के सब सदस्य समुद्री होते हैं आल एनिमल ऑफ विच फाइलम आर मेरीन किस संघ के सब सदस्य समुद्री होते हैं पॉरीफेरा के सिलेंट्रेटा के इकाइनोड्रमेटा के या फिर मोलस्का के राइट right ऑप्शन क्या होगा पहले आप अपने मन में कर सकते हो कि हाँ ये होना चाहिए क्योंकि फिर हम आपको बताएंगे इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इकाइनोड्रमेटा इकाइनो ड्रमेटा अब आप बोलेंगे सर इसका इसकाई क्यों होगा मोलस का क्यों नहीं होगा पोरीपेरा क्यों नहीं होगा तो इसका राइट ऑप्शन इकाइनो होगा क्योंकि इसको डायग्राम की मदद से आपको समझा देते हैं देखो विद्यार्थियों इकाइनो ड्रमेटा में वह सभी जीव आते हैं जो समुन्द्र में रहते हैं जैसे कि आपका स्टार हो गया इसके अलावा जो बाकी के प्लेटी चपटे गर्मी इसमें हो गए ठीक है जो समुद्र में पाए जाते हैं ठीक है थीके? तो स्टार बाहर जीवित नहीं रह सकते ये समुद्र में पाया जाता है अब दूसरी तरफ अगर आप मोलस्का की बात करें तो आप बोलेंगे सर मोलस्का भी तो काफ़ी सारे समुद्र में पाए जाते हैं तो देखो विद्यार्थियों क्वेश्चन में पूछा गया था कि सभी समुद्री जीव तो यहाँ पर मोलस्का में क्या होता है कुछ बाहर के जीव भी आते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहोगे ये तो समुन्द्र में नहीं पाया जाता ये तो बाहर पत्तों पे भी आपको देखने को मिल जाएगा जो पसले होती है ना वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपके आसपास भी भी बारिश में आपको देखने को मिल जाएगा तो इसीलिए मोलस का आंसर नहीं है राइट ऑप्शन इकाइनोडर्मेटा ही है क्योंकि सभी जीव इसी में आते हैं समुद्री में सो यहाँ पर यही समझना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है सब सदस्य समुद्री ये इंपॉर्टेंट है सब सदस्य समुद्री ठीक है तो ये इकाइनोड्रमेटाई में देखने को मिलता है अगला है दिन पत्ती में एक जंतु के नामकरण के लिए दो पद का उपयोग किया जाता है ये जो दो पद है ये जो टू वर्ड है ये किसको इंडिकेट करते हैं आपने भी देखा होगा जब वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो दो नाम लिखते हैं जैसे मान लो आम का जो वैज्ञानिक नाम है मेजीपेरा इंडिका ठीक है मेजीपेरा इंडिका तो ये एक नाम तो हो गया दूसरा इंडिका ये दो ये दो नाम लिखते हैं तो ये किसको इंडिकेट करता है ये किसको इंडिकेट करता है मेज़ी फेरा तो क्या बता रहा है हमको और इंडिका क्या बता रहा है ये आपको बताना है यहां पर तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा आपका श्रेणी और जाति यानी कि जीनेस और इस्पसिज इसको इंडिकेट करते आपके दोनों वर्ड डायग्राम की मदद से और अच्छा समझने की कोशिश हम करेंगे देखो विद्यार्थियों यह है आपका टाइगर ठीक है और टाइगर का जो वैज्ञानिक नाम होता है साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पैंतरा टाइग्रिस तो यहाँ पर पैंतरा टाइग्रिस तो यहाँ पर दो वर्ड आ गए तो पहला वर्ड जेनेस को इंडिकेट कर रहा है और दूसरा वर्ड को इंडिकेट कर रहा है ठीक है तो ऐसे ही मेजेरा इंडिका हो गया इसी प्रकार हमारा जो इंसान का नाम है वो भी इसी प्रकार जीनेस और स्पीसीज को इंडिकेट करता है ये आपको पता होना चाहिए और चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है अच्छे से आपको समझाएंगे ठीक है तो ये बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा कि पहला शब्द जीनेस को इंडिकेट करता है दूसरा शब्द स्पीसीज को इंडिकेट करता है चलो बढ़ते आगे की ओर सो so, यहाँ पर इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जीनेस और स्पीसीज हो जाएगा आगे की ओर बढ़ते हैं कौन से संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है, है। नंबर ऑफ स्पीच प्रोटोजोवा मेटाजोवा अर्थोपोडा जातियों की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है तो वो होती है आपके अर्थोपोडा में याद रखना अब आप बोलेंगे सर अर्थोपोडा में क्यों होती है क्योंकि आपने देखा होगा कि अर्थोपोडा में जाने कितने कीड़े मकोड़े आते हैं कीड़े मकोड़े कितने होते आपने खुद नहीं देखा होगा चलो डायग्राम की मदद मतलब से देख लेते इसको समझ लेते सो so, यहाँ पर आपके अर्थो फाइलम में इतने ज्यादा यहाँ पर जातियां आते हैं इतने ज्यादा जीव जंतु आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है यहाँ पर देखो आप मकड़ी हो गया आपका बिच्छू हो गया ठीक है आपकी मक्खी हो गई घरेलू मक्खी हो गई यहाँ तक कि आपका मच्छर हो गया है ना मधुमक्खी हो गई तितली हो गई बहुत सारे आते हैं क्योंकि इनमें संधि युक्त पेड़ होते हैं देख लो आप सभी के संधि युक्त पेड़ है ये अर्थोपोड़ा में आते हैं जिनमें भी संधि युक्त पेड़ होते हैं और आपको तो पता ही होगा कि मच्छर कितने सारे होते हैं मखियाँ कितनी सारी हैं होती है अनगिनत होती है बरसात के टाइम पे तो बहुत सारे मच्छर आते हैं अनगिनत और मक्खियाँ भी अनगिनत तो इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा इसी में सबसे अधिक इसी में तो ऐसे समझना होता है हमको तो इसी वजह से अर्थोपोड़ा को यहाँ पर चुना गया ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा So, यहां पर राइट ऑप्शन अर्थोफोडा बढ़ते आगे की ओर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में ऐसे ही बहुत सारे तो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे तो यहां पर क्वेश्चन है मानव पूर्वज जिसका कंकाल लगभग वर्तमान मानव के जैसा था तो यहां पर ऑप्शन है पैकिंग मानव क्रोमैग्नन मानव या फिर आपका नियंत्रण थल मानव जवा मानव बताइए जिसका कंकाल लगभग वर्तमान मानव के जैसा था आ रहा है किसी को इसका राइट ऑप्शन होगा क्रो मैगनन मानव क्योंकि इसका जो कंकाल था वो अभी के जो इंसान है ना उनके जैसा था अब आप बोल सर कैसे तो चलो इसको भी डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं ये होता है आपका क्रो मैगनन मानव जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहोगे और पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर और जो इसका कंकाल तंत्र यानी कि इसका सिस्टम है अंदर का पूरा हमारे जो वर्तमान मानव है ना सेम वैसा ही है देख सकते हो आप ये आपका क्रो मैगन मानव होता है जो कि कच्चे मांस का यूज़ कर रहा है क्योंकि पकाना तो बाद में सीखा था ठीक है तो इस प्रकार से आपको समझना होता है बस यहाँ पर इनकी हेयर यानी कि जो पेस है ना वो थोड़ा मंकी टाइप है बाकी सब नीचे का स्ट्रक्चर व का वही है क्योंकि ये जो वर्तमान के मानव है ना देखो चेंज तो बाद में भी आएगा क्योंकि हम मंकी का तो सुधार है ना तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो तो ये क्रोमैग्नन मानव है याद रखना चलो बढ़ते आगे की ओर सो यहाँ पर राइट क्रोमैग्नन मानव अगला है पेब्राइन नामक बीमारी किस उद्योग से संबंधित है फेब्राइन डिजीज रिलेटेड विच इंडस्ट्री सेरिकल्चर से एपिकल्चर से या फिर पोलेट्री यानी कि कुक्कुट पालन या फिर फिशरी यानी कि मछली पालन से तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है फेब्राइन नामक बीमारी क्या होती है क्योंकि ये हमको समझ में आएगा तभी बाद आंसर हम कर पाएंगे तो सबसे पहले हम समझते फेब्राइन नामक बीमारी ये में होती है चलो इसको देख लेते पहले यह होती है आपके जो फसलों में नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं उनमें इनमें होती है फेब्राइन नामक बीमारी ये इस प्रकार के हो जाते कुछ जैसा कि ब्राउन ब्राउन आप देख पा रूंगे डेड बॉडी टाइप तो इसमें फेब्राइन नामक क्या हो गया बीमारी हो गई इंसानों में नहीं होती ये बस इन्हीं में होती है तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किससे संबंधित है क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है पूरा कृषि का है अब तो आपको समझ में आ गया होगा कृषि का एग्रीकल्चर का सो so, यहाँ पर एग्रीकल्चर में तो सारे आ गए लेकिन पेड़ पौधों वाला कौन सा है वो तो आपका सैरिकल्चर ही है तो सेरिकल्चर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंपल ठीक है सैरीकल्चर क्योंकि इसका मछली तो नहीं होगा कुक्कुट भी नहीं होगा एपी भी नहीं होगा वही बचा ऐसे आंसर करना होता है आपको अगला है ट्राइसोमी इज एक्सप्रेस यानी कि जो ट्राइसोमी व्यक्त की जाती है वो कैसे व्यक्त की जाती है ट्राइसोमी बहुत ही आसान है बच्चों वाला क्वेश्चन भी आप समझ सकते हो बट बोसों को पता ही नहीं होता ट्राइसोमिकोम टू एन प्लस वन के माध्यम से इंडिकेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो ये तो हमारे इसमें दे रखा है तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला है टू एन प्लस वन चलो बढ़ते आगे की ओर अगला आपका जो टर्नर सिंड्रोम है व्यक्ति में एक्स गुणसूत्र की संख्या होती है इन्हें पैरसोमित टर्नर सिंड्रोम द नंबर ऑफ एक्स क्रोमसोम टू थ्री जीरो पता तो है ना टर्नर सिंड्रोम क्या होता है क्लाइफर सिंड्रोम क्या होता है डाउन सिंड्रोम क्या होता है जिन्होंने एम के एस अकेडमी डाउनलोड कर रखा होगा और लाइव क्लास लेते होंगे कोर्स के को उनको तो सब पता है अगर आप भी खरीदना चाहते हो कोर्स तो खरीद लेना एमके एस अकेडमी का लिंक नीचे दे रखा है पी सब वहीं मिल जाएंगे आपको क्लासे भी लाइव वहीं मिलेगी तो बहुत ही आसान है देखो टर्नर में तो क्या होता है यहां पर एक्स क्रोमोसोम संख्या वन, है, है? वन तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा बट एक बार और समझ लेते हैं इनको कि टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है और आपका जो क्लाइफेटर सिंड्रोम है उसमें क्या होता है ये है आपका टर्नर सिंड्रोम मिसिंग एक्स क्रोमोसोम यानी कि एक क्रोमोसोम मिस हो गया कम हो गया तो कम हो गया तो लेडीज़ के लक्षण भी कम हो जाएंगे सिंपल सी बात है लेडीज़ में लेडीज़ के लक्षण कम हो जाएंगे क्योंकि एक्स क्रोमसोम कम हो गया ऐसे याद रखना है आपको तो यहाँ पर आप देख पा रूंगे लेडीज़ में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है होता है कि नहीं होता है सब जानते होता है बट यहाँ पर देखो ब्रेस्ट है नहीं डेवलपमेंट है नहीं मेल की तरह दिखाई दे रहा है यहाँ पर तो सबसे बड़ी कमी यहाँ पर हो गई दूसरी जो कमी है इधर देखोगे आप यहाँ पर जो रेप्रोडक्शन सिस्टम है यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहां पर वेजना का डेवलपमेंट भी इतना नहीं है तो ये किस कारण से हुआ एक्स क्रोमसोम की कमी के कारण टर्नर सिंड्रोम हो गया दूसरा होता है आपका क्लाय फेल्टर सिंड्रोम क्या होता है क्लाय फेल्टर सिंड्रोम इसमें क्या होता है एक्स क्रोमोसोम अधिक हो जाता है तो इसमें क्या होंगे लेडीज के लक्षण अधिक हो जाएंगे किस में पुरुष में क्या होंगे लेडीज के लक्षण अधिक यानी कि जो ब्रेस्ट नहीं होने चाहिए वो हो जाएंगे पुरुष में लेडीज़ की तरह ठीक है रेप्रोडक्शन की बात करें तो नीचे भी वही कंडीशन हो जाएगी यानी कि जो टेस्टिस होना चाहिए अच्छा वो कमज़ोर हो जाएगा यानी कि बहुत ही छोटा टेस्टिस हो जाएगा ठीक है तो ये दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए टर्नर सिंड्रोम में और क्लाइफेंट्रन सिंड्रोम में टर्नर में एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है तो लेडीज़ में लेडीज के लक्षण की कमी हो जाती है ठीक है दूसरे में एक्स की मात्रा अधिक हो जाती है एक्स क्रोमोसोम की तो पुरुष में महिला के लक्षण भी अधिक हो जाते हैं वेरी सिंपल सो यहाँ पर राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा अगला है आपका यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग ए भी दूसरे का ओ हो तो बच्चों में कौन सा रुधिर वर्ग नहीं हो सकता तो पर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दो यहाँ पर नहीं को हटा दो कौन सा हो सकता है बच्चों में बताओ यदि माता और पिता का रुदिर वर्ग तथा है तो कौन सा हो सकता है तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते काफी बार। काफी सारे सर, पर मिलेगा अभी बता देंगे वीडियो में, आपको चिंता क्यों करते हो एक पुरुष का विवाह एक वाहक इस तरीके से हुआ इस जोड़े की संतान होगी वाहक का, का मतलब होता है यहां पर कैरियर का मतलब यानी कि लक्षण नहीं दिखाई देते उसमें होता तो है जीन, बट वो लक्षण नहीं दिखाई देता वो होता है वाहक तो क्या होगा बताओ चार ऑप्शन आपके सामने है तो देखो बहुत ही आसान है इस कंडीशन में एक तो वर्णांध्र होगा वाहक पुत्रियां होगी वर्णांध्र और सामान्य पुत्र यानी कि ऑप्शन डी अब आप बोलेंगे सर थोड़ा सा इसको समझा दो तो चलो समझ लेते इसको डायग्राम की मदद से सो so, इसका पूरा सॉल्यूशन हमने कर रखा है हमारी कॉपी में आपको भी ऐसे ही करना है तो बहुत ही आसान है इसे बना लेना है पहले आपको ठीक है आपने भी ट्वेल्थ में बनाया होगा कि जो वाह के उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते है ना और जिसमें दोनों हो गए तो पीड़ित हो जाता है तो इसमें क्या निकल के आया वन नॉर्मल बॉय वन नॉर्मल गर्ल्स एक वाहक गर्ल्स एक वाहक बॉय तो यहाँ पर यही कंक्लूजन आएगा इधर भी देख सकते हो आप वही कंडीशन है तो ऐसे आपको करना होता है तो ये हमने करके देख लिया और हमारा आंसर भी आ गया और जो हमारा आंसर आया वो मैच कर रहा है डी वाले से तो ऐसे आपको एग्ज़ाम में करना होता है अगला क्वेश्चन इनमें से कौन से अनुवांशिक लक्षण के जीन मानव में एक्स गुणसूत्र पर होते हैं विच ऑफ दिस जेनेटिक ट्रेंड हैव जीन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन सिंपल हेमोपीलिया ठीक है हेमोपीलिया में होते हैं अगला क्वेश्चन प्राकृतिक अनिशेक जनन होता है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस अकर्स तो सबसे पहले तो यहाँ पर समझना जरूरी है फार्थेनोजेसिस को कि ये क्या होता है जनन क्या होता है तो उसको कहते जिसमें जो ओवम होता है जो अंडाणु होता है बिना इस के न्याजीव बना देता है उसको बोलते पार्थेनोजेनेसिस यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जबकि आपको पता है कि न्याजीव बनने के लिए तो स्प्रम का होना भी जरूरी है और आपके अंडाणु का होना भी जरूरी है दोनों का फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है बट ये भारतीय जेनोसिस में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है एक अकेला अंडाणु न्याजीव बना देता है इसको अनीसक जनन बोलते हैं और ये किसमें देखा गया प्राकृतिक रूप से वेरी गुड मधुमक्खियों में ठीक है मधुमक्खियों में उसका जो अंडाणु होता है ऑटोमेटिकली नियाजीव बना देता है विदाउट स्प्रम चलिए अगला आता है आपका रानी खेत रोग किससे संबंधित है रानी खेत डिजीज इज कॉमन इज मुर्गियों में सूरों में मछलियों में या फिर इनमें से कोई नहीं तो आपने अवश्य देखा होगा इसका डायग्राम वगैरह कहीं ना कहीं पर कि जो रानी खेत होता है ये अक्सर मुर्गियों में होता है ठीक है फाउल्स यानी कि मुर्गियों में और ये किस प्रकार का होता है किस प्रकार की कंडीशन हो जाती है मुर्गियों में चलो देख लेते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा होंगे इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है यानी कि इनकी जो गर्दनें बिल्कुल जैसा कि देख पा रूँगे डेड बॉडी टाइप ये रानी खेत डिजीज इनको हो गया है इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है रानी खेत डिजीज में और अधिकतर मृत्यु का कारण भी यही है मुर्गियों में रानीखेत रोग का होना इसी कारण राइट ऑप्शन मुर्गियों में अगला क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे अगर आपने चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर रखा है बेल आइकन पर ऑल कर रखा है तो क्वेश्चन तो नॉन स्टॉप फ्री में आपको मिलते रहेंगे अगला इनमें से कौन सी अप्रवासी भारतीय मछली है इनमें से कौन सी अप्रवासी भारतीय मछली है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओस प्रो निमस गोरेमी अब आप बोलेंगे सर ये कैसी दिखाई देती है तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ ये मछली इस प्रकार की आपकी मछली दिखाई देती है ये देख लो आप बहुत अच्छी होती है और इसका सेप आकर आकार कुछ ऐसा होता है देख पा रहे होंगे आप कहीं ना कहीं पर तो ये इमेज आपने देखी होगी तो ये उसी मछली की है ठीक है तो ये वाली हो जाएगी आपकी ऑसप्रोनिमस गोरेमी अगला है आपका मधुमक्खी द्वारा मोम का स्त्राव कौन सी ग्रंथि से होता है वैक्स इन हनी बी सिगरेट पाई बी फ्रॉम ग्लैंड कौन सी ग्रंथि से होता है वो होता है आपकी जो मधुमक्खी वर्कर अब्डोमिन ग्लैंड श्रमिक उदरी ग्रंथि ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शर्मिक उदरी ग्रंथि, वर्कर अडमिन ग्लैंड नेक्स्ट कुक्कुट की सामान्य बीमारी आपको बताने कॉमन डिजीज इन फॉल अभी पढ़ के आए हम एक तो रानी खेत एक कॉग्जी डियोसिस, एक होती है ये तीनों याद रखने है आपको ये किस में होती है कुकुट में कैंड की मुर्गियों में अगला है आपका जो आठ तो मुख सर्वप्रथम मानव के किस पूर्वज में पाया गया तो अभी हम पढ़ के आए क्रोमेग्नन तो ये क्रोमेग्नन में पाया गया बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्रोमेग्नन मानव अगला क्वेश्चन तो आ, आपको सभी को आना चाहिए जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या हो सकता है जनसंख्या विस्फोट का परिणाम हर किसी को बताओगा कि जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी अनकंट्रोल तो क्या होगा धवनी प्रदूषण भी होगा जैव समुदाय का संकट भी होगा भौतिक वातावरण इन्वायरमेंट की समस्या भी होगी तो यह सभी कंडीशन हो जाएगी यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा बढ़ते आगे को पाचन प्रक्रिया में डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है न्यूक्लियोटाइडिस न्यूक्लियोसाइडज न्यूक्लिय बहुत ही आसान है सिंपल याद रखना न्यूक्लियोजेज ये वाला हो जाएगा हाँ न्यूक्लियोजेज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अगला है के पीत की अंडा पाया जाता है कल पढ़ाया था मैंने आपको जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा पता है उनको केंद्रक पेट की अंडा पाया जाता है और जिन्होंने टेलीग्राम को फॉलो कर रखा होगा उनको तो डायग्राम भी पता होगा कल मैंने आपको डाल दिया था टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा डिस्क्रिप्शन में तो ये केंद्र पेट की आपके कीटों में यानी की कि इंसेक्ट में पाया जाता है किसमें इंसेक्ट कीटों में राइट ऑप्शन आपका इंसेक्ट यानी ऑप्शन डी अगला है प्रयोगशाला में मोनोक्लोन एंटीबॉडी किसके द्वारा बनाई जाती है ऑप्शन है बी लिम्पोसाइड हाइब्रिड टी टील इन सभी द्वारा तो बेसिकली आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइब्रिडोमा कोशिका अब आप बोलेंगे सर यही क्यों होगा तो चलो डायग्राम से समझा देता हूं आपको जैसा कि आप यहां पर देख पा रहो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी ठीक है ये आपके हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी तो इसमें वो कोशिका यूज हो रही है यानी कि कोई भी आपने देखा होगा कि बायोलॉजी में हमारे मेडिकल साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है जीव के ऊपर तो सबसे पहले चूहों पर खरगोश पर मंकीज़ पर इन पर ही होता है तो ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंजेक्शन लगाया जा रहा है माउस में प्रयोग करने के लिए तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए और डायग्राम तो पूरा अच्छे से मैंने आपको समझा रखा है और जो लाइव क्लास है पीडीएफ है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप इसी तरह से पढ़ लो तो सिलेक्शन तो पक्का है आपका अब आप बोलेंगे सर ये पी चाहिए हमको ये पूरा का पूरा पी हमको चाहिए तो ये पी अगर आपको चाहिए साथ में लाइव क्लासेज चाहिए साथ में किताबें भी आपको चाहिए तो चलो मैं प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको क्या करना है सो बेसिकली पी लाइव क्लास लेने के लिए आपको आ जाना है गूगल प्ले स्टोर पर यहाँ पर सर्च करना है आपको एम के एकेडमी ये ऐप आपको डाउनलोड करना होगा इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो इस प्रकार का ओपन हो जाएगा जैसे आप मोबाइल नंबर से लॉग करोगे तो ये इस प्रकार का आपको दिखाई देगा और यहाँ पर बेल आइकन पर आपको सारी अपडेट मिलती रहती है रिजल्ट की फॉरम की काउंसलिंग की ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे स्टोर वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सारे कोर्स आपको दिखाई देंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का भी कोर्स आपको दिखाई देगा ये लाइव कोर्स है सब कुछ इसमें लाइव मिलता है पी में मिलता है किताबें मिलती है बहुत अच्छा कोर्स है ये आपको बाय करना होगा तभी जाके आपको पी मिल पाएंगे आपके मोबाइल में और आपको लाइव क्लासे और रिकॉर्डेड क्लासे सब कुछ आपको मिल पाएगा सो so फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो ये कोचिंग सेंटर के जो व्हाट्सएप नंबर है इन पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो तो हम आपकी हेल्प करेंगे कोर्स को बाय करवाने में लिंक नीचे दे रखा है एमकेएस एकेडमी ऐप का डाउनलोड नाउ